हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज एलन, यू आर वाचिंग द सनीक ब्लॉग। ओके सो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपको टूर देने वाला हूँ, ये देख सकते हो अपने मुंबई की न्यू मेट्रो का। तो आज अभी है ना इसका सेकंड डे है, आपको आज ये मेट्रो के बारे में ना सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। इसकी टाइमिंग्स क्या क्या है, प्राइसिंग क्या है, रूट्स क्या है, इन फ्यूचर ये चलेगी या नहीं, वो भी सारी बातें हम करते हैं आगे। सो अभी चलते हैं, मैं आपको इसका पूरा टूर देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ प्लेटफॉर्म के नीचे की तरफ। नीचे से हम पूरा, मैं आपको स्टार्टिंग से सारी चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ आप ये नीचे की तरफ से पूरा मेट्रो स्टेशन का लुक देख सकते हो, ये ऐसा कुछ लुक मिलता है। यहीं से अपने को है ना ऊपर जाने के लिए रास्ता दिया गया है, बड़की जीने लगे। अंदर आने के बाद ये कुछ आप एम्बियंस का लुक देख सकते हो, यार काफी ज्यादा खूबसूरत बना गया है। वो सामने की तरफ है ना, वहाँ पर है टिकट काउंटर। हमें हमारी है ना टिकट्स मिल चुकी है, यहाँ पर कुछ ऐसे टिकट्स देते हैं यहाँ पर। अभी पहले कैसा होता था, मेट्रो में टोकन वाले टिकट्स देते थे, अभी यहाँ पर है ना ऐसे पेपर टिकट्स दे रहे हैं। और यहाँ पर ये स्कैनर रहता है, ये स्कैनर के थ्रू है ना यहाँ पर आगे सिक्योरिटी चेक है। उसके आगे आप देख सकते हो वो वाले जो गेट्स है ना ग्रीन कलर के, वो वहाँ पर ये स्कैन करवानी होती है हमें। तो गाइस अभी हमारा चेक इन तो हो चुका है, सिक्योरिटी चेक के बाद है ना डायरेक्टली ये एक्सेलेटर के थ्रू हमें प्लेटफॉर्म की तरफ जाना होता है। फर्स्ट फ्लोर पर जो दिया गया है ना वो उसका पूरा टिकट काउंटर्स और चेक इन का एरिया है, और फिर उसके ऊपर वाले सेकंड फ्लोर पर बोल सकते हैं यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है। अभी हम लोग है ना प्लेटफॉर्म के तरफ तो आ चुके हैं, यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म का आप ओवरऑल लुक भी देख ही सकते हो। यार काफ़ी ज़्यादा इसका खूबसूरत लग रहा है, एम्बियंस जो बनाया गया है ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, सिक्योरिटी के लिए ना सीसीटीवी कैमराज भी दिए गए। यहाँ पर आपको बोर्ड पर इंडिकेटर भी दिखा रहा है कि अभी अपनी अगली ट्रेन कितने टाइम में आने वाली है। फिर स्पीकर्स भी दिए गए यहाँ पर ऊपर की तरफ सारे अनाउंसमेंट्स के लिए। और फिर मैं ना आपको यहाँ पर नीचे की तरफ एक चीज़ दिखा देता हूँ कि अपना वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, यहाँ पर ट्रैफिक आप देख सकते हो, अभी तो फिलहाल मूविंग ट्रैफिक है ये, वरना ट्रैफिक है ना एक जगह पर बहुत टाइम के लिए जाम भी हो जाता है। और बस यही ट्रैफिक को कम करने के लिए ये वाली मेट्रो लाइन अपनी हेल्प करने वाली है, मुंबई शहर और ट्रैफिक ना। और ये देख सकते हो अभी अपनी ट्रेन है ना यहाँ पर आ चुकी है, और इसके और अंदर वाले ट्रेन के भी गेट्स है ना ऑटोमेटिक दिए गए यहाँ पर, और ये वाले गेट्स भी यहाँ पर ऑटोमेटिक दिए गए। मैंने ट्रेन का कलर कुछ है ना मुझे थोड़ा हटके लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन दिया गया है। और यार अंदर का एम्बियंस भी बाहर से देख कर तो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, अभी अंदर चलेंगे ना तभी मालूम पड़ेगा। अभी देखो ट्रेन तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर जब भी आ जाती है ना, तो यहाँ पर है ना ये ट्रेन को 10 से 15 सेकंड लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म के साथ है ना इसको अलाइन होना पड़ता है, क्योंकि दोनों भी गेट साथ में खुलते हैं यहाँ पर। अभी चलते हैं हम अंदर की तरफ इसके, और ये आप अंदर से इसका ओवरऑल लुक देख सकते हो। यार इसका एम्बियंस है ना काफ़ी ज़्यादा सही बनाया गया है, और एम्बियंस में यहाँ पर जो सॉफ्ट लाइट दी गई है ना उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है यहाँ पर। मैं आपको है ना ये ट्रेन का ओवरऑल लुक दे देता हूँ। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर ये एंट्रेंस और ये तरफ भी एग्जिट गेट्स देखने मिल जाते हैं, ये तरफ सारी बैठने के लिए हमें यहाँ पर सीट्स देखने मिल जाती है, काफ़ी सारी स्पेस दी गई है यहाँ पर। और अंदर का एनवायरनमेंट है ना काफ़ी ज़्यादा कूल भी दिया गया है। ये तरफ हमें है ना साइकिल स्टैंड देखने मिल जाता है, जो कि हम हमारे है ना साइकिल लेके भी इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। और फिर ये तरफ है ना आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए पोर्ट भी देखने मिल जाता है, यहाँ पर आप यूएसबी भी डायरेक्टली लगा के आप अपना मोबाइल वगैरह यहाँ से चार्ज कर सकते हो। और फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको सारे पकड़ने के लिए हैंडल्स देखने मिल जाते हैं। और फिर यहाँ पर भी अच्छा है कि यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरास दिए गए हैं, और फिर यहाँ पर स्पीकर वगैरह दिए गए अनाउंसमेंट के लिए। और फिर ये तरफ सारे बोर्डिंग्स है, डिजिटल बोर्डिंग्स दिए गए जो कि एडवर्टीजमेंट वगैरह यहाँ पर शो होगी आपको। और सारे जो अंदर के कोचेस है ना अंदर से इंटरकनेक्टेड है, आप ये तरफ देख सकते हो, हम एक कोच से है ना दूसरे कोच में भी जा सकते हैं। इसके टिकट प्राइसिंग बता देता हूँ, तो मुझे जो टिकट प्राइस पड़ी है ना तो वो मुझे 40 रुपीज़ पड़ी, और रिटर्न जर्नी की ऑफकोर्स डबल 80 रुपीज़। 0 to 3 किलोमीटर के डिस्टेंस आप अगर कवर करोगे तो आपको 10 रुपीज़, और फिर उसके आगे का डिस्टेंस कवर करोगे तो 20 रुपीज़, फिर 30 रुपीज़ और 40 रुपीज़, 50 रुपीज़। तो मतलब 10 रुपीज़ से स्टार्ट होती है और 50 रुपीज़ तक आपको इसके टिकट प्राइसिंग मिलती है। और अभी हम बात कर लेते हैं इसके रूट्स की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी मेट्रो लाइन को या फिर मोनोरेल को चलने के लिए। रूट्स उसके काफ़ी ज़्यादा सही रहने चाहिए, वरना वो फेल प्रोजेक्ट होती है, जैसे हमने मोनोरेल प्रोजेक्ट में देखा था। तो अभी जो मुंबई की न्यू मेट्रो स्टार्ट हुई है ना, ये दो लाइन स्टार्ट हुई है अभी, लाइन 2A और लाइन 7, और अभी हम लोग हैं लाइन 7 में। तो और लाइन 7 चलती है आरे कॉलोनी से लेकर दहीसर ईस्ट तक, और यहाँ पर जो लाइन 2A है वो चलती है धानुकरवाड़ी से लेकर दहीसर तक,
और मतलब आप ये मैप में देख सकते हो, आर्य कॉलोनी से स्टार्ट होकर यहाँ पर धनुकरवाड़ी तक जाती है घूम के। लेकिन यहाँ पर कैसा है कि दोनों को अलग अलग लाइन दी गई है, और आप मैप में देख सकते हो लाइन हमारी लाइन 7 आ जाती है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर, हमारी मेट्रो लाइन 2A आ जाती है रेलवे ट्रैक्स के उस तरफ। तो यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट का फर्क दिया गया है, और ये दोनों भी लाइनें ना पैरेलल चलती है अपनी मुंबई लोकल ट्रेन के ट्रैक्स के साथ। ये लाइन 7 देखी ना, अभी ये तो सिर्फ इसका फेज 1 स्टार्ट हुआ है। फेज 1 के जो मैंने आपको आर्य कॉलोनी से दहिसर वाले स्टेशन बताए, ये फेज 1 का। अभी जब फेज 2 भी स्टार्ट हो जाएगा, मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर में स्टार्ट हो जाना चाहिए, जब फेज 2 भी स्टार्ट हो जाएगा ना, तभी ये हेल्पफुल रहेगी पूरे जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की जो ट्रैफिक कम करने के लिए। पीक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, और मैंने ऐसा सुना है कि ये जो एक मेट्रो ट्रेन की कैपेसिटी है ना 2000 लोगों की है, लेकिन लगता नहीं है इतने ज़्यादा लोग फिट हो सकते हैं। और मैंने ऐसा भी सुना था कि ये मेट्रो ट्रेन होगी ना वो ड्राइवर लेस ट्रेन होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है, अभी तो यहाँ पर ड्राइवर ही चला रहे थे मैंने देखा। हेलो फ्रेंड्स, डिस्टर्ब नहीं विनती करनी है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें, और हाँ इस वीडियो को भी लाइक कर दें, धन्यवाद। और जो डिजिटल बोर्ड दिया गया है यहाँ पर, इसके स्टेशन के नाम भी शो कर रहा है, तो अभी ये देख सकते हो अभी हमारी ट्रेन यहाँ पर आकरोली में खड़ी है, उसके बाद पोईसर आने वाला है वो भी शो करता है यहाँ पर, धनुकरवाड़ी भी शो कर रहा है यहाँ पर, डोर्स विल ओपन ऑन द अदर साइड यहाँ पर वो भी लिखा है, मतलब डोर्स सामने की तरफ खुलने वाले, वो भी इंडिकेटर यहाँ पर दे देते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो लिखा है डोर्स विल ओपन ऑन दिस साइड। इसके मैं टाइमिंग्स बता देता हूँ, टाइमिंग्स है ना सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक की मेट्रो ट्रेन चलती है, उसके बीच में आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो, और इसकी फ्रीक्वेंसी है ना करीब 10 से 11 मिनट में आपको हर एक ट्रेन मिल जाती है। ट्रेन पर पहुंच चुके हैं, अभी चलते हैं हम यहीं से बाहर की तरफ, देखो सामने भी और एक ट्रेन खड़ी है, तो वो ऐसे ट्रेन को बाहर से देखकर ना अंदर का एकदम सॉफ्ट लाइटिंग की वजह से ना एकदम ये प्रीमियम और लग्जरियस ट्रेन लगती है, ऐसा लगता है कि कोई फॉरेन की ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि मुंबईकर्स ने ऐसा कुछ चीज़ पहले देखी नहीं है। ऑफकोर्स मेट्रो देखी है, लेकिन वो वाली मेट्रो सबके लिए नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन ये वाली मेट्रो अभी सबके लिए नहीं आ चुकी है। तो बस हमारा स्टेशन आ चुका, हम चलते हैं यहीं से बाहर की तरफ। मेट्रो ट्रेन का तो मैंने आपको पूरा टूर दे दिया, इसके सारे डिटेल्स भी दिए आपको, अगर आपको और भी कुछ डाउट्स है ना मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। सो यार कुछ ऐसी थी अपनी ये मेट्रो ट्रेन न्यू वाली स्टार्ट हुई है अभी, ये तो ऑफकोर्स यहाँ पर ये ब्रिज वाली मेट्रो ट्रेन थी मुंबई की, लेकिन मुंबई की अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन भी बहुत जल्द अभी स्टार्ट होने वाली है। ये तरफ देख सकते हो ये प्लेटफॉर्म पर है ना, ये भी एक काफ़ी सही चीज़ रखी गई है, अगर यहाँ पर कुछ इमरजेंसी वगैरह हो जाती है तो यहाँ पर है ना ये लोग ने माइक और स्पीकर्स वगैरह रखे गए नीचे के लोगों से कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर सेफ्टी के प्रिकॉशन सारे लिए गए। और मैं ना आपको यहाँ पर इसके ट्रैक्स दिखा देता हूँ, ये आप ट्रैक्स देख सकते हो, इसके जो ट्रैक्स है ना वो भी अपनी मुंबई की लोकल ट्रेन कैसी रहती है उसकी तरह ही ट्रैक्स, ऊपर की तरफ ये सारे वायर्स है ना, मुंबई की लोकल ट्रेन कैसे चलती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलती है, जैसे कि वो वायर्स के थ्रू लग के रहती है, ये वाली ट्रेन का भी ऐसा ही है, यहाँ पर उसके लिए भी ये सारे वायर्स दिए गए, तो ये वाली मेट्रो भी अपनी सेम सिस्टम से चल रही है। गाइस आपको है ना प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर लिफ्ट भी देखने मिल जाती है, जिसके थ्रू है ना आप अगर व्हीलचेयर लेके आ रहे हो, कोई हैंडीकैप्ड है उसके लिए यहाँ पर व्हीलचेयर, और अगर आप साइकिल वगैरह लेके आ रहे हो तो आप लिफ्ट में भी ले जा सकते हो, और ट्रेन में तो ऑफकोर्स साइकिल अलाउड। और गाइस देखो अभी ये मेट्रो ट्रेन को स्टार्ट हुआ है ना सिर्फ अभी 2 ही दिन हुआ है, आज अभी इसका 3रा दिन है, और मैंने सुना है कि 2 दिन के अंदर है ना इसमें 75,000 लोगों ने ट्रैवल भी कर लिया, मतलब काफ़ी ज़्यादा यार बड़े नंबर्स हैं, मेरे ख्याल से ये काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भी जाने वाला है, क्योंकि यार बहुत सारे लोग इस पर ट्रैवल कर रहे हैं, और ये जो रूट उन्होंने चुना है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे वाला, ये भी यार काफ़ी मतलब यहाँ पर रश रहता है, ट्रैफिक रहती है, तो वो ट्रैफिक से यहाँ पर अभी जो मुंबई की लोकल ट्रेन्स पर ट्रैफिक पड़ता था, BST बसेस पर पड़ता था, और जो मुंबई की रोड्स पर जाम लगा रहता था ना, उसको ये काफ़ी ज़्यादा हद तक कम करने वाली ये मेट्रो ट्रेन अभी। तो बस गाइस अभी ये वाला ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं, सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन, सो गाइस स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल द टाइम गुड बाय। बहुत ही शानदार और बहुत ही आरामदेह, ये मुंबई की लोकल ट्रेन की तरह बिल्कुल भी रश से भरपूर नहीं थी, और बड़ी ही जदीद चीज़ एक देखने को मिल रही थी। मुझे जो इसमें चंद एक नुमायाँ खसूसियात पसंद आ रही थी वो ये कि इसके डोर ऑटोमेटिक हैं, प्लेटफार्म के इर्द गिर्द भी दीवारों की हिफाजत बनाई गई है शीशे की दीवार से, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। इसके साथ साथ जो इस ट्रेन में जो बैठने की जगह है वो अच्छी खासी खुली है, और उन दोनों नशिस्तों के दरमियान भी काफ़ी सारे लोग खड़े हो सकते हैं, तो ये बात ही बड़ी ज़बरदस्त थी। और इसके साथ साथ जो मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी वाली बात लगी, सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात लगी, वो ये थी कि आप इस ट्रेन में, इस मेट्रो ट्रेन में
अपने साइकिल भी ले जा सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर किसी ने साइकिल ही ले जाना है तो वो खुद साइकिल पे क्यों ना चला जाए। खैर, साइकिल का एक सीटिंग देख के ट्रेन के अंदर ये एक बिल्कुल नई चीज़ थी और बहुत अच्छा भी लग रहा था और थोड़ी सी मुख्तलिफ भी थी। टिकट का निज़ाम बड़ा ही शानदार है और कोड के ज़रिए स्कैनिंग होती है और फिर अंदर जाने की इजाज़त मिलती है, ये बात भी अच्छी थी। इसके साथ साथ जो सबसे अच्छा था वो ये था कि पहले 3 किलोमीटर तक सिर्फ 10 रुपये का किराया है, जो कि बहुत ही मुनासिब है। इसके बाद किराया बढ़ता जाता है और यहाँ तक के 50 रुपये तक का किराया लिया जाता है। 50 रुपये भी इतना ज़्यादा किराया माना नहीं जाएगा कि अगर 10 से 15 किलोमीटर का फासला ये मेट्रो तय करती है। ये दो लाइनों का बैक वक्त इफ्तिताह किया गया था या बैक वक्त ये चालू की गई थी और ये मुंबई की ट्रैफिक का बोझ कम करने के लिए एक कामयाब सहूलत होती हुई भी दिखाई दे रही है। अब ये मुंबई में कहां से कहां तक चलती है मुझे इस बारे में तो कुछ समझ नहीं आई, लेकिन जिस तरह बता रहे थे कि ये लोकल के पैरेलल चलती है तो फिर यकीनी तौर पर इससे लोकल के ऊपर आने वाला बोझ भी कम हुआ होगा। मुंबई शहर में ये मेट्रो देख के बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल एक जिद्दत का एहसास हो रहा था। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहेंगे, बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए पहले लेकिन प्रेस कर दे, बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।